देख सकते हैं दोस्तों, इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाने जाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्प मित्र गोपाल गिरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अभी लगभग हमारे पास 5 स्नेक सांप हैं दोस्तों, हम सांपों के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। कौड़नाथ नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में से कॉमन रूप से स्नेक नाम से जाना जाता है। और ये बिना जहरीला सांप है, देख सकते हो, ये बिना जहरीला सांप है। और ये ज़्यादातर घरों में पाया जाता है और ये रात में निकलने वाला सांप है। चिपकली खा ली थी दोस्तों, चिपकली खाई थी उसने। और हमारे पास एक चिकन किल बैग और इसे हमारी टीम में पांडी उड़ नाम से जाना जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप, सबसे बदबूदार सांप है दोस्तों, जब भी इसको कोई पकड़ता है क्या और दोस्तों तो ये खराब बदबू छोड़ता है। और इसे पानी में रहना बहुत पसंद है दोस्तों। और ये किंग कोबरा टाइप फन निकालता है, किंग कोबरा की जैसे फन निकालता है। और ज़्यादातर ये नालियों में पाया जाने वाला सांप है दोस्तों, घर में घर के आस पास जो नाला रहता है उसमें मिलते हैं सांप। और इसे मराठी में ईरुड़ा पांडिवट नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये बिना जहरीला है, बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसे भी छोड़ेंगे आप। दूसरे नंबर पर दोस्तों तस्कर सांप है हमारे पास और इसके अंदर एक कुकरी स्नेक है, जो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए इसके बारे में डाल दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे कुकरी स्नेक कहा जाता है और ये बहुत कम मिलता है अपने इधर। और इसे कौड़नाथ नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसके सिर के ऊपर भी आकर के चिन्ह बना रहता है दोस्तों। और ये बिना जहरीला सांप है, इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसको रिलीज कर देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं और ये लगभग इसकी हाइट 2 फीट तक बैठती है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सांप है दोस्तों। हमारे पास है तस्कर सांप दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसे तस्कर नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये बिना जहरीला सांप है, तो इसका पहचानना एकदम सिंपल है, इसके सिर के ऊपर जो काली रेस बनी रहती है दोस्तों। और इसका देख सकते और पूछ के ऊपर छोटी छोटी और काली रेस बनी रहती है दोस्तों, देख सकते हैं, रेसों को देख सकते हैं दोस्तों। और इसका मुंह जो रहता है दोस्तों सेम अजगर के जैसा रहता है। और ये बिना जहरीला है, इसको गैमरिल्स करेंगे दोस्तों जल्दी। और ये सबसे कम दिखने वाला सांप दोस्तों, बिल्कुल भी दिखता नहीं है सांप, ये ज़्यादातर मिट्टी के अंदर रहता है। और ये हमको बारिश के मौसम में घर में मिला था दोस्तों। खासकर इस सांप के बारे में जानिए दोस्तों, ये सांप जो है इसे मांडू कुछ नामों से बुलाते हैं दोस्तों। इसका नाम है दुर्गा गणेश नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आप इसकी पूंछ देख सकते हैं,
एकदम स्पॉट स्पॉट करबल करबल स्पॉट रहते हैं दोस्तों इसके ऊपर। और ये कुछ लोग गलती करते हैं इसे अजगर समझ के पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये अजगर नहीं है, ये मिट्टी के अंदर रहने वाला एक सांप है दोस्तों। और ये बिल्कुल बिना जहरीला दोस्तों सांप है, इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है, बिना जहर वाला सांप है। और ये कम बहुत कम दिखता है दोस्तों, और ये बहुत शांत स्वभाव के सांप है। हम रिलीज करेंगे, इधर नीचे बहुत खड्डा है। हमारे इधर कल बारिश हुई थी दोस्तों, इसकी वजह से आज इधर बहुत ज़्यादा पानी है। और सबसे खतरनाक सांप क्या आते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, नाग नाजा ह्यूमन ना सारे नामों से जाने जाने वाला सांप है दोस्तों ये। और ये काफ़ी गुस्सेल सांप है और इतना जहरीला है कि आदमी की जान जा सकती है काटने से। इसके बारे में बताएंगे और उसे पहचाना एकदम सिंपल बात है, कोई ये नहीं है, देख सकते दोस्तों एकदम सिंपल है। जब भी आपके दुश्मन के पास जाता है तो इस तरह से अटैक करता है दोस्तों, निकल निकालता है, देख सकते हैं नहीं ज़्यादा स्पीड इसकी कम कर रहे दोस्तों। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाने जाने वाला सांप है दोस्तों, और काफ़ी फुर्तीला है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा जहरीला है, इसके अंदर न्यूरोडॉक्स नाम का जहर रहता है दोस्तों। और इसे कई जन एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, और इसके नज़दीक जाने की कोशिश भी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये 3 फीट दूर से बाइट कर सकता है दोस्तों ये। और ये सबसे जहरीला सांप है, इसके अंदर न्यूरोडॉक्स जहर होता है दोस्तों। जल्दी हम इसको भी रिलीज करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे नए वीडियो जल्दी मिलते रहते हैं। किस तरह से फन निकलता है दोस्तों, कि ये काटने से पहले चेतावनी देता है दोस्तों, साउंड निकलता है और अपनी फन निकालता है दोस्तों, और ये बताता है कि मेरे पास मत आओ वरना मेरे पास आने के बाद तुमको मैं काट लूँगा। इस तरह से ये चेतावनी देता है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से फन निकल रहे हैं। और एक काम कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। और हमारा इस वीडियो को बनाने के एक उद्देश्य है कि इस तरह के जीव जंतु जीवित रहे दोस्तों, क्योंकि घरों में अक्सर पाए जाते हैं और इन्हें लोग मार देते हैं जानकारी ना होने की वजह से। तो दोस्तों अगर आपके घर में ऐसा कोई भी सांप निकले तो इसको पकड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों इस सांप को पकड़ना है तो किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, जो आपके आसपास कोई भी स्नेक सेवर हो या सर्प मित्र हो उसको बुलाए कि आप इससे सांप अपने घर में से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।